नमस्कार। नमस्कार विनय, कहाँ से हैं आप? अरे राज के महाविद्यालय चुड़ियाला। चुड़ियाला से हैं, बहुत बेहतरीन। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? आईएएस का क्या है मामला? सर मुझे बेसिकली 1 ईयर हो चुका है। 1 साल से आप कर रहे हैं तैयारी, इसका मतलब है कि आपका बेसिक कंसेप्ट लगभग बेसिक क्लियर हो चुका है। सर मैंने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी अभी तक भी की है। अच्छा, इंटीग्रेटेड लगे रही है, कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्या मतलब समझ में नहीं आता? सर समझने में तो सर कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि सर लगातार एक ही चीज कर रहे हैं तो सर थोड़ा मोनोटोनस आ जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आजकल काफी मीडियम है, वीडियोस हैं, वर्ड के फॉर्म में अवेलेबल है, ऑडियो के फॉर्म में अवेलेबल है। तो क्या है, उस मोनोटोनस को तोड़ने के लिए सारी चीजें हैं। जब नहीं करता है मत, एंजॉय कीजिए, आराम से बैठिए, वीडियो सुनिए, रिवाइज करते रहिए। मतलब किसी न किसी तरह से आपको मीम्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, मोनोटोनस भी नहीं होना है। उस मोनोटोनस के लिए क्या है कि आज के दौर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, काफी साधन है, हिस्ट्री के वीडियोस हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन वाइज है, आप उसको सुनते रहिए। हमारी टेस्ट सीरीज है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो मैं आपको दूंगा, ग्रुप में आप शामिल होंगे शायद तो आपको मिल जाएगा उसको। आपको मतलब 5-5 मिनट की वीडियोस हैं, उसको आपको करते रहना, सुनते रहना। हमने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है वो मतलब एक तो है कि काफ़ी वाइड है, स्पेशली रूरल एरियाज को और ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी कारण बस मेट्रोज में नहीं जा पाए। तो कोई सवाल है सर? अभी ना सर मेरी ग्रेजुएशन चली रही है, कंप्लीट कर रही है, और सर अभी मेरी एज भी 21-23 है जी। तो है। अच्छा, कहाँ से ग्रेजुएशन? बैंगलोर से, चुड़ियाला से कर रहे हैं? जी। चुड़ियाला में बहुत सारे अब्दुल अलीम सर हैं, डॉक्टर सीपी सिंह हैं, जानते होंगे आप? सर उन्होंने बताया था मुझे अंसारी सर ने आपके बारे में, सर है उन्होंने लिंक भेजा था। जी जी, तो चलिए, तो तैयारी करते रहिए। आप एकदम सही समय पे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सही टाइम पे आपने डिसीजन लिया है। और आईएएस तो एक मतलब लंबा सफर है, कंसिस्टेंसी के साथ टाइम अगर हम नहीं देंगे आईएएस को ना, समझ के नहीं पढ़ेंगे, जल्दीबाजी में करेंगे काम, तो इसमें समझिए कि अब ओलंपिक दौड़ना है तो 4 साल बाद ओलंपिक इसीलिए आता है ना, 4 साल तैयारी करनी है, 4 साल तैयारी करनी है, तो उसके लिए बहुत कंसिस्टेंसी से काम करना है ताकि हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। और बिल्कुल इंटीग्रेटेड हमें काम करने की जरूरत है। तो कोई जी हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हैं विनय? सर मैं कहता हूँ सर कि 12th तो सर मैंने साइंस से पास आउट किया, लेकिन सर आफ्टर 12th सर मैंने सिविल सर्विस को तो सेव कर लिया। आपने बहुत बेहतरीन डिसीजन है, हमने भी 12th साइंस से ही किया था और 10+2 के हम अपने बैच के टॉपर थे, फिर भी हमने बीए में एडमिशन लिया। उसकी वजह यही थी क्योंकि आमतौर पर जो फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है 10+2 में, 1-10 वो नहीं जाता है, लेकिन बड़े शहरों में खासतौर से दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, जहाँ पे आईएएस का माहौल है, वहाँ पे 10+2 साइंस से करने के बाद भी ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेते हैं आईएएस के लिए। तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था, ये अच्छा डिसीजन है आपका। मेरा भी 4 तारीख को भी
मेरे साथ पीएचयू का भी एंट्रेंस। अच्छा, हाँ करते रहिए, कोई नहीं, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। हम इसमें जो प्लान आपको देंगे उसको आप फॉलो करेंगे। मेरा जो प्लान है वो मतलब एक साल का है, एक साल उनके लिए है जो फुल टाइमर है। हम आप लोगों से मुखातिब करेंगे वीडियो के माध्यम से। एक्चुअली इंट्रोडक्टरी सेशन है इसलिए मैं आया हूँ, और आज एक तरह का मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग है, इसलिए आज ये प्रोग्राम रखा गया। वरना हम वीडियो और वर्ड्स के माध्यम से ग्रुप में ही आपसे मिलेंगे और आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये जो एक साल में आईएएस की तैयारी का जो प्लान है वो फुल टाइमर के लिए, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं धीरे धीरे। आप जैसे बीच बीएचयू जाना चाहते हैं या जेएनयू जाना चाहते हैं तो आपकी तैयारी दो साल में या तीन साल में, जितने दिन में आप करना चाह रहे हैं, जितना आप टाइम देंगे जाहिर सी बात है आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। एक होता है फैक्ट और एक होता है कॉन्सेप्ट, इन दोनों को पैरेलल आपको क्लियर करना है। और साहिल और काजल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पुट ऑन योर वीडियो एंड यू टू आस्क, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, किस शहर से आते हो साहिल काजल, बताइए। साहिल आप सुन रहे हैं? हाँ, पहले तो आप वीडियो ऑन कीजिए, तो फिर ये मीटिंग रखी गई है क्यों? तो ग्रुप में ही हम लिख देते कुछ, हमारी वीडियो आएगी। हाँ साहिल, कहाँ से हैं आप? मैंगलोर। मैंगलोर से हैं, बहुत बेहतरीन। किस क्लास में है? ये फर्स्ट ईयर में। तो अभी से आप टारगेट बनाइए कि आपको आईएएस करना है, और जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा ये क्लास नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। क्लास ऐसे नहीं होगा, हम असाइनमेंट देंगे आपको वीकली, हम आपको बता देंगे कि आपको 25 वीडियो को करना है वीकली। क्या करना है? लिखना है, याद करना है, वो काम आप करेंगे, समझ रहे हैं सर? तो असाइनमेंट को आप कंप्लीट करेंगे, और बहुत स्टूडेंट मैंगलोर से और चुड़ियाला से हैं। काजल तुम कहां से हो? नेटवर्क खटीमा, वेरी गुड। खटीमा से भी काफी विद्यार्थी हैं, अल्गवानी से, खटीमा से, काशीपुर से। तो तुम किस क्लास में हो काजल? एम कॉम फाइनल ईयर है, तो बहुत बेहतरीन है। आपके पास आम तौर पे खटीमा, हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और इस तरह के जो शहर इंडिया में हैं, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये छोटे डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहाँ के स्टूडेंट एमए करने के बाद उनको लगता है कि वो बूढ़े हो गए हैं। आपको मैं ये बता दूं कि दिल्ली में, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना में जो लड़के आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो 25 साल के बाद से कई तो शुरू करते हैं, और 30-35 तक आईएएस की उम्र 40-42 तक है। तो सबसे पहले दिमाग से ये निकाल देना है कि मुझे मेरा एमए या एमकॉम हो गया, आप आज से शुरू कर सकते हैं, 2-3 साल में आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, समझे काजल? तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसको आप फॉलो करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। आदित्य आप सब वीडियो ऑन कर लीजिए और फिर इंटरेक्शन कीजिए, क्योंकि हम लोगों का जो मेन सेशन है वो 8 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है शाम से ही जुड़ना चाह रहे थे, तो हमने कहा कि बातचीत का टाइम मिल जाएगा। इसके बाद 8 बजे, 8:30 बजे के करीब मैं आप लोगों को
9 बजे असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें आपको एक वीडियो होगी, उस वीडियो को आपको सुनना है, उसमें सारी बात समझाई होगी, उसके बाद असाइनमेंट आपका आएगा, असाइनमेंट में वीकली आपको कुछ काम दिया जाएगा, उसको आप करेंगे, और आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो पर्सनली भी आप हमको बता सकते हैं, समझा काजल? और आदित्य और कोई प्रश्न है काजल तुम्हारा? कोई प्रश्न है? जी 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 सर बोलिए। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम तो है, क्या कीजिएगा? अगर आपको हाँ कोई परेशानी होगी तो व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते होंगे तो जी जी तो ये आप तो किसी ग्रुप में होंगे तभी तो लिंक मिला होगा आपको। जी सर सर ने भेजा था, आशुतोष सर ने भेजा था, सेंड किया था। आशुतोष, अच्छा आशुतोष कॉमर्स वाले? जी 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 सर। अच्छा वेरी गुड, तो आप ऐसा है ना पर्सनली हमसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको क्या कह रहे कि ब्रॉडकास्ट में ले लूंगा, तो उससे क्या है कि कोई दिक्कत होगी कोई बात पूछना होगा आपको हम जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको हम भेज देंगे, ठीक है? टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई कब से शुरू होगी? पढ़ाई आज से शुरू होगी, आज जो मैं आपको दूंगा असाइनमेंट अगले हफ्ते के लिए तक दूंगा, 7 डेज के लिए, इस वीक से अगले वीक तक, तब आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी आज रात से। हम एक वीडियो भेजेंगे और आप उससे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा आपको क्या क्या करना है। हाँ काजल बोलिए। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम तो है, तो आपको क्या मतलब आईएएस की तैयारी करनी है, पीसीएस की तैयारी करनी है, उत्तराखंड पीसीएस की? जी सर उत्तराखंड पीसीएस। हाँ तो उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कीजिए, साथ साथ में जाहिर सी बात है ग्रुप सी वगैरह भी आपका जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा ना उसमें हम चूंकि आजकल के हालात के हिसाब से हमें सारे एग्जाम को लेके चलना पड़ता है तो ग्रुप सी वगैरह भी उसमें आ जाएगा। उस हमने जो पैटर्न तैयार किया है उसमें 3 स्टेज में आपकी तैयारी होगी 1 साल में, लेकिन ये 1 साल उनके लिए है जो फुल टाइमर हैं। अगर आप फुल टाइमर नहीं होंगे और आपके पास टाइम कम होगा तो आप उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 1.5 साल के लिए हो जाएगा। जो 1 हफ्ते का असाइनमेंट होगा आप उसको 10 दिन में कर सकते हैं, 7 दिन के असाइनमेंट को आप 10 कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक व्यक्ति से, जब आप जुड़ जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि आपको लगता है कि हमने काम किया कि नहीं, तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है, इसलिए हमने ये ग्रुप बनाया। और मैं आपको बताऊं लखनऊ दिल्ली इवन पटना इलाहाबाद हर जगह से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पूरे उत्तराखंड से तो जुड़े हुए हैं ही लेकिन उत्तराखंड के बाहर में बिहार में दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी मुजफ्फरनगर मुजफ्फरपुर मेरठ
हरियाणा से भी बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत सारे, कई माध्यम से। तो आप जो है बहुत ही सरल तरीके से, मैं जो मेरा फर्स्ट स्टेज है वो 2 महीने का है, अगर आप फर्स्ट स्टेज 2 महीने की तैयारी पूरी कर लेते हैं तो आप समझिए ग्रुप सी के लायक हो जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और प्रियांशी सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन कर लीजिए, जब आप कभी गूगल मीट या इन सब पे होते हैं तो वीडियो ऑन करके रखा कीजिए, फिर तो फिर व्हाट्सएप चैट और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं बचता है। प्लीज पुट ऑन योर वीडियो। आदित्य प्रियांशी में नेटवर्क प्रॉब्लम तो होता ही है। जी हाँ, हाँ काजल बोलिए। सर मैं, I wanna say something। सर मैं ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती हूँ। सर मुझसे कह रहे थे, सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक बार आपसे बात करूँ। ओके। ये बात सर ने मुझसे कही। प्लीज पुट ऑन योर वीडियो काजल। Put on your video। तो आप ग्रुप में आप शामिल हो जाइए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली वो हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे हैं, और जैसे टेलीग्राम वगैरह में तो नंबर वगैरह भी हाइड हो जाता है और नंबर कोई ले नहीं पाता किसी का, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मुझे नहीं लगता, और सारे ग्रुप से जो हैं वो क्लोज होते हैं, सिर्फ मेरा इंस्ट्रक्शन जा सकता है। अगर आप में से किसी को मैसेज करना है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपका जो फीडबैक होगा वीकली हम पूछेंगे कि आपने कितना काम किया। तो हमने आपको पूछा कि हमने आपको दिया कि 20 वीडियो करनी है या 25 वीडियो वीकली करनी है, तो आपको मतलब मैसेज में बताना है कि वीकली बताना है कि हमने या 4 दिन पे जितना आपने पूरा किया है अपडेट, आपको बताना है कि मैंने 20 वीडियो कर लिया है, लिख भी लिया है, याद भी कर लिया है। ये चीज, ये सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एक कायम करता है हमारे बीच में, ठीक है। क्योंकि जब हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना, हमें पूछने वाला बताने वाला नहीं होता, तो फिर तैयारी नहीं होती है। तो एक्चुअली क्या है, तो तैयारी तो आप ही को करना है, इंस्ट्रक्शन हमको देना है, हम मटेरियल भी आपको देंगे, हम वीडियोज के फॉर्म में देंगे, वर्ड के फॉर्म में देंगे, और आप उस काम को करते रहेंगे, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ग्रुप में शामिल होना। और आप जो फर्स्ट स्टेज है हमारा 2 महीने का, उसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, तो ग्रुप सी का टेंशन नहीं रहेगा, वो ग्रुप सी होना है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जो मेरा फर्स्ट स्टेज है वो 2 महीने का है, वो 2 महीने में आप ग्रुप सी के लेवल को क्रॉस करते हो, ग्रुप सी टाइप का जितना भी एग्जाम होगा उसको। बट ये है कि आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा, मतलब कंटेंट अच्छा है उसको आपको कंप्लीट करना है। जो जो टास्क हमने आपको 1 दिन का दिया है देंगे, वो समझिए कोचिंग वाले 4 दिन में पढ़ाते हैं, तो उनका तो काम क्या है, आप जब कोचिंग में जाते हो तो क्या होता है, जाना आना तैयार होना, 2 घंटा तो इसमें बर्बाद होता है, और 1-2 घंटा पढ़ते, आधा घंटा 1-1.5 घंटा बैठते हैं वहां पे,
ठीक है, टोटल 4-5 घंटा बर्बाद होता है। अगर उस 4-5 घंटे का सही यूटिलाइज करो तो वहां जो आप एक पेज या डेढ़ पेज लिख करके आ रहे हो, यहाँ 5 पेज आप याद कर लो, 4 पेज। तो कोचिंग में वही चीज एक साल में जो पढ़ाई जाती है वही आपको 2 महीने में कंप्लीट करना है, समझ रहे हो बात को? क्योंकि मैं एक समय में मैं पढ़ा रहा था बच्चों को डायरेक्टली घर पे, तो उसी काम को चूंकि वीडियो के माध्यम से जब आप किसी से संपर्क में होते हैं तो वीडियो में आप गोल ओरिएंटेड होते हैं, बिल्कुल जो बात है वही करते हैं। अब अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये बात नहीं आएगी बीच में, समझ रहे हैं? वहां डायरेक्ट बात आएगी जो कंटेंट की है। तो वीडियो जो 10 मिनट की है, 10 मिनट की वीडियो आप कोचिंग में 1 घंटे का क्लास है, ठीक है? तो आप आज 10 मिनट की 5 वीडियो 4 वीडियो डेली करनी है, 3 वीडियो 4 वीडियो डेली करनी है, वो समझिए कि 4 क्लास है, 4 दिन का, 5 दिन का क्लास है। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी चीज ये है कि टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, मेहनत बच रहा है, जाना आना कहीं नहीं। और सोर्सेस का एक बहुत बड़ा होता है कि जिस व्यक्ति से आप कोई चीज ले रहे हो वो है कौन, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। तो वो आदमी खुद क्वालिफाई है कि नहीं, यूट्यूब पे आके नो डाउट बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी का भी प्रॉब्लम है कि जो व्यक्ति जान रहा है। अब देखिए आपके शहर में कई कोचिंग होंगे, आप जानते होंगे हर गली में एक कोचिंग खुला हुआ है, वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी ग्रुप सी नहीं क्वालिफाई किया है, समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा क्यों होता है भाई, उनका धंधा है ना। लेकिन एक व्यक्ति जो आपको पढ़ाना चाह रहा है ऑनेस्टली, ऐसे कई लोग हैं हमारे जैसे जिनका वो धंधा नहीं है, बट वो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, टाइम निकाल रहे हैं, हम आपसे अभी रूबरू हो रहे हैं, इसमें हमारा भी एनर्जी जा रहा है, हम आपको समझा रहे हैं, समझ रहे हैं? और तो कहने का मतलब ये कि इसमें जो डिफरेंसेस है कि एक व्यक्ति पेड है और एक व्यक्ति पेड नहीं है। तो जो व्यक्ति पेड नहीं है वो व्यक्ति स्वेच्छा से बता रहा है और उसकी सीमा नहीं है, अनलिमिटेड बता रहा है। जैसे आप कोचिंग जाओगे ना तो कोचिंग का क्या मामला होता है कि वो लिमिटेड पढ़ाएंगे क्योंकि उनको आपको 3 साल घुमाना है, 2 साल लेके आना है भाई, कि बंदा महीने में जुड़ा है, तुरंत खत्म नहीं कर। तो इसका 3 फायदा है हमारे कोर्स से जुड़ने से, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा और आपका मेहनत बचेगा जाने आने का बार बार। और कोई प्रश्न काजल? खटीमा में श्रीवास्तव जी भी हैं, श्रीवास्तव जी को जानते हो, इंग्लिश वाले? आ रही है साहिल। हाँ काजल, खटीमा में श्रीवास्तव जी को जानते हो, इंग्लिश वाले डॉक्टर के जी श्रीवास्तव? डॉक्टर के बी श्रीवास्तव हैं खटीमा में, इंग्लिश के? हाँ, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरे मित्र हैं, वहाँ पे कई हैं, डॉक्टर आशुतोष कुमार भी बहुत खास मित्र हैं, खुशबू नहीं दिया रहे। कोई प्रश्न है आपका तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद जो अभी हमारा सेशन चल रहा है इंटरैक्टिव, अभी 8 बजे के छोटा सा फॉर्मल मीटिंग होगी, हमारे प्रिंसिपल भी आएंगे और डिफरेंट स्टेट से लोग आएंगे आपको मुखातिब करने, आपके सामने बड़े बड़े प्रोफेसर आएंगे जिनसे हम मशवरा लेते हैं, उनसे पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेरे मित्र हैं, वो सब आपसे आएंगे। 8 बजे का असल टाइम है, अभी मैं इंटरेक्शन के लिए स्पेशली हमने टाइम बनाया था अभी तो। और कोई प्रश्न है? खुशबू क्या हाल है, ठीक हो?
यस सर, फाइन सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए विनय भाई। सर सर, कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं जी, तो सर उसका जो आउटपुट होता है सर, मैंने पढ़ा तो हमने एक घंटे और उसका आउटपुट हमें 10% मिल रहा है, तो सर ये थोड़ा बहुत अच्छा है सवाल आपका, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो देखिए अभी हम जिस टाइम पे हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैं कहता हूँ कि पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है, और इसमें क्या है कि आपके पास सोर्सेस बहुत याद करने के, पहले जमाने में तो एक ही चीज था, कॉपी और कलम लो और याद रटना शुरू कर दो और लिखना शुरू कर दो। अभी क्या है, आप सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो। मैं आपको ये कहता हूँ ना, 3-4 मीडियम को हमेशा सामने रखो, ऑडियो भी सुनो, वीडियो भी सुनो। जब वीडियो सुन सुन के एक घंटा थक गए ना, तो एक घंटा पढ़ाई कर लो। अभी हिस्ट्री क्या, वीडियो सुन लो, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता की हमारी वीडियो है, आपने उसको लगा दो, एक घंटे की वीडियो है, आप सुनते रहो हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है, क्या होता है, हल कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, और क्या कहते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, सपोज आएगा रावी नदी, ठीक है, आपको आएगा लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी। तो आप सुन रहे हो, मत टेंशन लो, आएगा, ठीक है। सुनते सुनते अब आपको पढ़ना है, आप कभी काम करना है, तो आप चार तरफ से मल्टी डायमेंशनल वर्क करो अपने आप पे। आप जब उसी चीज पे फोकस हो ना, जब हमको किसी की याद आती है, कोई काम करना शुरू करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान खोलना है, कोई काम करना है, तो रात भर नींद नहीं आती है कि अरे कल सुबह ये काम करना है, क्योंकि हम फोकस्ड होते हैं कि वो काम। तो आप फोकस्ड रहो कि हड़प्पा सभ्यता को आप एक बार सुनो, फिर एक बार पढ़ो एक घंटा, फिर आप एक बार सुनो, कुछ तो लग नहीं रहे ना सुनने में, तो आप सोए हुए हो फिर भी सुन सकते हो। तो क्या है कि ये काम 20 साल पहले 10 साल पहले लोग नहीं कर सकते थे, अभी वक्त बहुत आगे है, तो आप हर माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास वीडियो है वो देख सकते हैं, ऑडियो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड के फॉर्म में मटेरियल्स हैं उससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा रिवीजन करो, जरूरी नहीं कि बोल के रिवीजन करो, सुन के करो, देख करके करो, खाते खाते करो, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप हमेशा गोल कमिटमेंट और गोल ओरिएंटेड रहो। आपको सुनना है तो हड़प्पा सभ्यता को सुनना है, आपको सुनना है तो ऋग्वेदिक काल को ही सुनना है, आपको सुनना है तो मतलब मूल अधिकार ही सुनना है, गाना नहीं सुनना है, उसी से मोहब्बत करना है, उसी से इंटरटेन करना है, उसी में मजा लेना है। अरे मूल अधिकार क्या है, क्या क्या अच्छे, सातवां जो अधिकार था वो कब समाप्त हो गया, वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था या जो भी है। तो आप बार बार इसको सुनोगे, बार बार सुनोगे, इसको तीन हिस्से में बांट दो सुनने का। अब जितना भी आपका ऐसा टाइम है जब बोरिंग लगता है, खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो सुनना शुरू कर दो, लगा दो, जो चीज आपने पढ़ा है उसको सुनो। तो मैं समझता हूं कि आपका ज्यादा क्लियर होगा, अपने आप को होलिस्टिक अप्रोच से उसका इस्तेमाल करना है, और इसका कोई और उपाय नहीं है। ये हजारों बार इस तरह के प्रश्न आते हैं, हम सबको याद नहीं होता जल्दी। पहले जमाने में लड़के जो है ना बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, रट्टू तोता हुआ करते थे, अब रटने का प्रवृत्ति बहुत कम हुआ है, तो सोर्सेज बहुत बढ़ गए, तो उन सारे सोर्सेज का हम इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है, तो दिमाग में आ जाएगा। और भाई बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सबका स्वागत है, आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए और आपके जो प्रश्न हैं वो आप प्रश्न कर सकते हैं हमसे। बहुत सारे स्टूडेंट बिहार से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी हमसे यूपी से भी जुड़ रहे हैं। तो निधि राणा का मसूरी से हो, कहाँ से हो, मसूरी से? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर,
कह रहे हैं कहाँ से हो? पहले सबको अपना माइक ऑफ करने को बोलिए। सब लोग माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। हाँ तो निधि तुम मसूरी से हो? हाँ जी सर। ठीक है तो आप तो क्विज में भी काफी पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन हमने फिर नया प्रोग्राम शुरू किया है प्लान, ये काफी सिस्टमेटिक। तो जो हमारा जो बेसिक हमने अपने कोर्स को जो आईएएस का कोर्स है वो तीन हिस्से में बांटा है, पहला 2 महीने का, फिर 4 महीने का और फिर 6 महीने का, यानी 12 महीने का। 1 साल को 3 पार्ट में बांटा है, वो 2 महीने का जो है कोर्स, उसमें वो सारे बेसिक कोर्स है जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। 105 वीडियो का जो सेट है उसको 1 महीने में कंप्लीट करना है, और ये जो 2 महीने का कोर्स है अगर कोई स्टूडेंट करता है, ये जो पहला जो फर्स्ट स्टेज है आईएएस की तैयारी का, उसका मतलब ग्रुप सी वाले जितने भी एग्जाम है वो उसको पार कर जाएगा। सेकेंड स्टेज में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वगैरह का यूज करना है, कंसेप्चुअल स्टेज है वो। जी सर। सर मेरा एक सवाल था कि मतलब क्लासेस कौन से टाइम चलेगी सर? क्लासेस जो है वीडियो के माध्यम से चलेगी, ऐसे क्लासेस चल पाएगी आपको लग रहा है? ऐसे क्लासेस नहीं होगी, समझ रहे हैं? क्लासेस होगी वीडियो के माध्यम से, हम इंस्ट्रक्शन देंगे आपको क्या करना है और असाइनमेंट देंगे, और उस असाइनमेंट के आधार पे वीकली आप हमको फीडबैक देंगे कि आपने इतना काम कर लिया। जैसे मैंने आपको दे दिया कि आप 25 वीडियो करेंगे पूरे वीक में, 25 वीडियो को आपको लिख के याद करना है। 2 तरह की वीडियो होगी, एक लिखने वाली वीडियो होगी और लिख के याद करने वाली, और दूसरी वीडियो सिर्फ सुनने वाली होगी, उसको लिखना नहीं है। सर एक बार जिले कीजिए इस तरह से। गूगल मीट से हाँ करेंगे, एक क्लास हफ्ते या 10 दिन में एक क्लास कर लेंगे। सर आपको फेस टू फेस से काफी एनर्जी होगी सर, एनर्जी मिलती काफी पॉजिटिव। हाँ ऑब्वियसली, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो वो हम करेंगे हफ्ते में या 10 दिन में एक, महेश बाबू हम करेंगे। महेश आप कहाँ से हैं? महेश है, महेश आप गोईवाला डिग्री कॉलेज से तो नहीं है? ठीक है, सर एक क्लास आप दे दीजिए, क्योंकि कम से कम ज्यादा जूम में या तो गूगल मीट पे। बिल्कुल लेंगे जूम पे, जूम ज्यादा सफल है। करंट अफेयर भी हो जाए तो हाँ, कुछ करंट अफेयर के बारे में बताएंगे सर? हाँ हाँ करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। चलिए मैं ये कह रहा हूँ महेश, एक ही फॉर्म नहीं होगा, वीडियो के साथ साथ वर्ड के फॉर्म में भी हम आपको कंटेंट देंगे। मीनाक्षी अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए, सर की आवाज नहीं आ रही है। आप लोग ऑफ कर लीजिए अपने अपने माइक को, और जिसको बोलना है वही ऑन कीजिएगा, और एक को एक बार बोलने दीजिए। अब देखिए हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम बचा है, 8 बजे के बाद हमारा एक फॉर्मल सेशन शुरू होगा। अभी हम इनफॉर्मली इंटरेक्शन कर रहे हैं आपसे, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को हमने इनवाइट किया है जो हमारे ग्रुप में शामिल हैं। तो हफ्ते 10 दिन में हम लोगों की मीटिंग हो जाएगी, लेकिन हमको जो कन्वे करना है मैसेज वो वीडियो के माध्यम से ही करेंगे, और हम पूरा फुल कोर्स करेंगे, आपको चिंता नहीं करना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे डिपेंड नहीं रहना है आपको, आपको टेक्स्ट वर्ड्स के फॉर्म में भी कुछ मटेरियल हम आपको देंगे, प्रैक्टिस सेट के लिए भी हम आपको देंगे। जैसे मान लीजिए कि मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, सपोज अब एक आपके पास वीडियो भी अवेलेबल है, उसमें मैं पूछ रहा हूं मेरे वीडियो एक तो क्वेश्चन बेस्ड है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछता हूं पहली वीडियो में और अगली वीडियो में आंसर करता हूं,
तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक मतलब मोटिवेशन आएगा कि इसका आंसर क्या है, एक उत्सुकता होगी, अगली वीडियो में आंसर है। इसी तरह से एक प्रैक्टिस सेट होगा, उसको भी आपको फॉलो करना है, उसको भी। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, आपने देखा ये इस तरह के सेट आते हैं 4, 5, 6, 7 और आपने उत्तर किया 6, ठीक है। तो ये वर्ड के फॉर्म में भी है और एक व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, चलिए मैं पूछ रहा हूँ मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, तो आपने बताया 6। तो दोनों पढ़ने का अपना अपना तरीका है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोनों मेथड को आपको इस्तेमाल करना है सर, आपको पढ़ाई का हर मेथड इस्तेमाल करना है, आपको मूल अधिकार को सुनना भी है और मूल अधिकार को पढ़ना भी है और मूल अधिकार को लिखना भी है, समझ गए? तीन माध्यम है आपके। हम जनरली लिखने वाला माध्यम अलग इस्तेमाल करते हैं, कॉपी में भर लिया खेल खत्म, हमें लिखना भी है सुनना भी है और याद भी करना है पढ़ना भी है, तीनों माध्यम का इस्तेमाल करना है उसी चीज को। जैसे सर नोट्स दिए जाएंगे? हाँ, नोट्स आपको वीडियो के फॉर्म में भी होगा और वर्ड के फॉर्म में भी होगा, नोट्स दिए जाएंगे, आप उसको लिखेंगे। सर वीडियो नोट्स की वीडियो भी बना के समझाएंगे और है बनी हुई, उत्तराखंड से संबंधित पूरा कोर्स अवेलेबल है, स्पेशली उत्तराखंड जी के नोट्स टाइप का बना हुआ पूरा कंप्लीट है, और साथ साथ में जैसे मान लिया कि हिस्ट्री है पूरा कंप्लीट है, पॉलिटिकल साइंस है, पूरा नोट के फॉर्म में तैयार है वीडियो, हम लिखाते हैं एक एक पॉइंट, हम लिखाते हैं आपको वहां पर कि आप लिखिए हड़प्पा सभ्यता में। सर हमने सारे नोट्स किए हैं वो जी, सर जो आप क्वेश्चन लिखा वो मतलब आपने वीडियो बना रखी ना, हमने सारे क्वेश्चन नोट कर रखे हैं। आपने नोट कर रखे हैं? यस सर। लता सर, लताशा, लताशा कहाँ से बोल रहे हो? वेरी गुड लताशा, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं अल्मोड़ा से हूँ, अल्मोड़ा से। वेरी गुड, आपने सारे लिख रखे हैं तो आपको बहुत फायदा हो रहा होगा, ये अच्छी बात है, लिखना ही है। जो हमने दो तरह के मटेरियल बना रखे हैं, एक तो ये लिखने वाले, एक सुनने वाले, ठीक है। लिखने वाला मेन कोर्स है और सुनने वाला जो है एक साइड वाला है, जैसे मान लिया हड़प्पा सभ्यता, तो लिखने वाले की वीडियो थोड़ा 10-15 मिनट की है, 20 मिनट की है, सुनने वाले की वीडियो 5 मिनट की है। सॉरी क्या बोल रहे हैं? ग्रुप में दिए जाएंगे आपको, आपकी टोटल वीडियो आपको आपके ग्रुप में आएगी। अभी अभी हमारे एक बिहार से एक प्रोफेसर डॉक्टर अखलाक अहमद साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर अखलाक साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी, हाँ डॉक्टर साहब, बच्चों को अभी ये इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है, सर बच्चों को आप 2-3 मिनट में कुछ बता दीजिए, ये बहुत ही जीएस के बहुत महान गाइडर हैं और बहुत सारे विद्यार्थी को इन्होंने गाइड किया हुआ, पटना यूनिवर्सिटी के आप जानते हैं बिहार बहुत माहिर है आईएएस क्रिएट करने में, बिहार के हैं ये प्रोफेसर साहब, तो आप बच्चों को कुछ बता दीजिए दो शब्द अखलाक साहब। आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी अपने को म्यूट करें, म्यूट कर लीजिए सब लोग। जैसा सर ने अभी बताया
मैं भी अध्येता हूँ, कोई भी जो शिक्षक है वही अच्छा अध्येता है। सर ने मुझे आमंत्रित किया, इस लायक समझा, सबसे पहले मैं उनको उनका शुक्रगुजार को मैं सलाम करता हूँ कि पूरे पैन इंडिया ग्रुप को आप यूपीएससी और अदर पीसीएस के लिए समर्पित होकर अपने कार्यों का, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सर जिस तरह से सर ने आप लोगों को एक जोड़ा है, कड़ी बनाया है, अपेक्षा है, शुभकामनाएं हैं कि आप सभी कामयाब हो। सर का लंबा अनुभव रहा है सिविल सेवा के क्षेत्र में, बहुत दिनों से पटना में भी रहकर के इन्होंने इस फील्ड में काम किया है। उम्मीद है कि आप सभी इनके अनुभव से जरूर लाभ उठाएंगे। जहां तक सिविल सेवा का प्रश्न है, इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत जो मानना है, ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है, समर्पण, रणनीति और मार्गदर्शन। समर्पण, आपके पास प्लान बी नहीं होना चाहिए, कम से कम अगर आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। अब आप प्लान बी पर चले जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है यूपीएससी निकालना खास। तो पूरी तरह से आपको यह डिटरमाइन होना होगा कि मुझे यूपीएससी ही करना है। थैंक यू सर। इवन कि आप स्टेट पीसीएस को भी नहीं सोचिए। दूसरी बात, रणनीति। अगर रणनीति नहीं होगी तो मार्केट में इतने सारे मटेरियल्स हैं, उसमें से आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये बिंदु जाकर के जुड़ता है फिर मार्गदर्शन से। तो आपके पास डॉक्टर अफराज इकबाल जैसे दिग्गज हैं इस फील्ड के, बहुत अनुभवी, मैं इनको ज्ञाता मानता हूं, और अगर इनके निर्देशन में आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मंजिल आपका कदम चुकी। थोड़ी सी बात मैं कर दूं आपको कि अगर जरूरत पड़ेगी, सर ने मुझे आमंत्रित किया है, तो मैं भी जीएस में अपने विषय में, खासकर मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी कहूं या शिक्षक कहूं, प्रोफेसर कहूं, जो समझ लीजिए, तो आपके साथ जरूर जुड़ूंगा। और इस विषय की कमीशन में, खास करके आज के संदर्भ में यूपीएससी में इसकी महत्ता ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि ऐसे पेपर हो, और जीएस का जो मेंस का मैं बात कर रहा हूं, मैं पीटी की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि पीटी तो पहले जब आप मेंस कर लेंगे, स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, तो पीटी भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम पीटी निकाल करके, प्रायः मैं बच्चों को देखता हूँ मुबारकबाद लेने में, फिर मेंस का एडमिट कार्ड आ जाता है और पता नहीं चलता है कि मेंस में उन्हें करना क्या है। तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें और मुख्य परीक्षा के साथ आप जाए, पीटी स्वतः होते चला जाएगा, सर के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़े। अगर आवश्यकता होगा और अगर सर प्लेटफॉर्म इस तरह से मैं प्रोवाइड करेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद अखलाक साहब, बहुत अच्छा आपने बताया कि समर्पण बहुत जरूरी है और मार्गदर्शन, बिना मार्गदर्शन के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा था कि आपकी हर गली में कोचिंग अवेलेबल है और आपको हर व्यक्ति ऐसे प्रस्तुत करेगा कि वही आपको आईएएस करा देगा। और आपको पता है कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपको छांटना क्या है, अब पढ़ना क्या है, आप डेविएट कर जाएंगे। तो सर ने बहुत अच्छी बात आपको बताई है कि आप सही गाइडलाइन में समर्पण के साथ काम करें और निश्चित तौर पर आप कामयाब होंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न है, और भी प्रोफेसर जुड़ने वाले हैं अभी, और सबसे मैं कुछ ना कुछ सलाह लूंगा आपके बारे में। आज का मकसद यही है, और आपको मेरा इंस्ट्रक्शन और असाइनमेंट ग्रुप में मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में। क्या करना है आपको, आप उसके हिसाब से आप करते रहेंगे। तो इसलिए आप चिंता नहीं करें कि हमने क्या बताया क्या नहीं बताया। अगर आप नहीं भी सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट से भी आए हैं तो कोई बात नहीं है, आपको हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। बस आपको फॉलो करना है, हम जो आपको बताएंगे, आपको वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते आपको असाइनमेंट देना है। आपको असाइनमेंट पर्सनली हमको आपको सबमिट करना है, मैसेज बताना है कि आपने ये काम कर लिया है, ये आपकी जिम्मेदारी थी। और भी बड़ा काम करने के लिए प्लान होना जरूरी है। आप में से हर व्यक्ति जानता है, जब आप मकान बनाने जाते हैं कोई व्यक्ति, तो पहले आप प्लान बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं कि आपको, और हमारी आदत क्या है, सीधे कूद जाते हैं कंपटीशन में। हिस्ट्री भी पढ़ लो, पॉलिटी भी पढ़ लो, ज्योग्राफी भी पढ़ लो, ऐसे नहीं चलेगा काम। इतने आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि करना कैसे।
तो आपको बिल्कुल प्लान्ड वे, बड़ा काम बिना प्लान के नहीं हो सकता। झाड़ू देना है, झाड़ू उठाइए, देना शुरू कर दीजिए, कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बनेंगे तो क्या उठे और सुई देना शुरू कर दीजिएगा किसी को भी, भाई मैं डॉक्टर हो गया हूँ, सुबह में सोचा शाम में डॉक्टर। तो जो काम समाज में पहचान वाला है उसमें टाइम लगता है, जिसमें स्टेटस ज्यादा है, जिसमें आइडेंटिटी ज्यादा है, जिसमें रेस्पेक्ट ज्यादा है, जिसमें प्रेस्टीज ज्यादा है सोसाइटी में, उसमें प्लानिंग भी ज्यादा है, उसमें टाइम भी लगेगा। और बुर्ज खलीफा बनाइएगा और बिना प्लान के बुर्ज खलीफा नहीं बनेगा। एक रूम का कमरा बनाना है अभी रात में डाल दीजिए, चारों तरफ से एक खंभा डाल दीजिए और एक रूम का कमरा तैयार है। लेकिन बुर्ज खलीफा बनाने के लिए पहले प्लान ही बनाना पड़ेगा, 6 महीना सोचना पड़ेगा कहां से खंभा निकालना है। तो कहने का मतलब आईएएस इतना बड़ा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसके लिए आपको प्लान बनाना होगा। और मैंने आपके लिए प्लान बनाया पूरा सोच समझ करके, तो वो वीडियो आपको 9 बजे जब हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन हो जाएगा तब आपको हम डाल देंगे, आप उसको समझ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और कोई? हाँ साहिल, हाँ ग्रुप में आएगा सारा इंस्ट्रक्शन, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आज बस इंटरेक्टिव सेशन है, आज का क्लास अगर आपने किया है अथवा नहीं किया है, इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उससे कोई माने नहीं लगता। थोड़ा क्या है कि इस तरह का इंटरेक्टिव सेशन से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, बात सही है, मोटिवेशन जरूरी है हमें, मतलब जब हम कई लोगों से मिलते हैं तो हमको पता चलता है कि क्या करना है, एनर्जेटिक होते हैं हम, मोटिवेशन मिलता है जब आप चार दोस्त से मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? जी सर, आया था प्रश्न। हाँ क्या जल्द बोलो। लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या रहेगी, हिंदी या इंग्लिश? देखिए मैं एक बात मानता हूँ कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए कभी भी लैंग्वेज को बैरियर नहीं मानना चाहिए, इस बीच में लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। आप सब, हम जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, वहाँ सब हिंदी माध्यम के लोग हैं, हिंदी बेल्ट है, इवन 80% स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं। यहाँ जितने 92 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूँ इसमें 60 स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल से आए, ठीक है। लेकिन इतने में 5 स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश मीडियम रखेंगे, मीडियम का कोई रोल नहीं आईएएस करने के लिए। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हैं हिंदी में करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सामने वाले की बात समझ में आ जाती है हिंदी में अथवा इंग्लिश में। इवन वीडियो आप यू कैन ट्रांसलेट और कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अगर आप ऐसा, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम में करते हैं और वीडियो हम उनको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करते हैं और इंग्लिश में लिख के दिखाते हैं। सपोज हमने कहा भारत की राजधानी कहाँ है, तो उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया और इंग्लिश में हमें बताया भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। अगर आप इसको कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे इस काम को करने में, यानी आपको इंग्लिश लिखा हुआ भी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कोई ना कोई पॉइंट वीक है, थोड़ा दिक्कत है। आपको कंफर्टेबल क्योंकि आप 100% इंग्लिश मीडियम नहीं हो, आप हिंदी में बात समझ रही हो और इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर रही, तो आप आईएएस इंग्लिश में बिल्कुल मत करो, मेरी बात, यानी कोई ना कोई डिफिकल्टी है, लिखा हुआ है और हूबहू आप पढ़ देंगे, इंटरव्यू में पूछेगा, बहुत सारी चीज आप वहां पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इफ यू आर नॉट गिविंग योर व्यूज इन इंग्लिश सो यू शुड नॉट टेक एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल एज यू शुड नॉट ऑप्ट द मीडियम ऑफ इंग्लिश। तो मेरे ख्याल से अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, इजी नहीं महसूस करते, आप में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ अभी 90-95 तक जुड़े हुए हैं,
क्या हमें बताएंगे दिन भर सुबह से शाम तक किस माध्यम में बात करते हैं घर में? हिंदी में बात करते हैं किस ठीक है हम काम करते हैं बिहार यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा उत्तराखंड के स्टूडेंट पे और ये सब हिंदी बेल्ट है। तुम रात दिन सुबह से शाम तक हिंदी सुन रहे हो हिंदी में बात कर रहे हो अगर उसको तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो किसी भी तरह से तो दिक्कत आपकी तरफ है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ अभी डॉक्टर शहराज अली प्रोफेसर हैं शहराज अली नैनीताल से कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हमारे सामने जुड़ गए हैं। प्रोफेसर शहराज अली का मैं स्वागत करता हूं। वेलकम डॉक्टर शहराज अली, आप मुझे सुन रहे हैं शहराज अली सर? सुन रहा हूं सर। गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप माशाल्लाह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हैं और आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं केमिस्ट्री में आपने बहुत काम किया है। दो शब्द बच्चों को बच्चों को सिविल सेवा के लिए दो शब्द बता दीजिए सर कुछ आप अपने। पहले तो मैं आपको इस कार्यक्रम में आपने मुझे बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और डॉक्टर साहब आप इस तरह कार्यक्रम आयोजित करते हैं ये आप निसंदेही बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो छात्रों को आप ये इस दिशा में निरंतरता के साथ में बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं ये बच्चों को किस तरह से आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए और आज के जरूरत बिंदु क्या है जिन पर सवाल आने की संभावना ज्यादा रहती है इस तरह से छात्र इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। ऐसी में आपसे उम्मीद करता हूँ विश्वास करता हूँ कि जो ये अवसर छात्रों को आप उपलब्ध करा रहे हैं आज का जो समय चल रहा है कठिन समय जिसमें की ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है आप इस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों का भविष्य बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। बच्चे को मैं आह्वान करता हूँ कि छात्र छात्राएं इस अवसर का पूरा सदुपयोग करें और लाभ इसका उठाएं और अपने सर का अपने गुरुजनों का अपने घर वालों का नाम ऊंचा करें अपने महाविद्यालय का नाम ऊंचा करें और देश के निर्माण में सहयोग दें। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और आपसे विश्वास भी करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने बताया बच्चों को के जाहिर सी बात है देश का नाम रोशन करेंगे आपने अच्छी बात बताया। मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर शहराज अली बहुत बड़ा नाम है नैनीताल आप जाएंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी कभी भी तो आप इनसे मिल सकते हैं। आप इस बैच में डॉक्टर शहराज अली साहब बहुत सारे लोग बहुत सारे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे आशीष कुमार झा हैं बिहार से जुड़े हुए हैं कई प्रोफेसर जुड़े हुए हैं बिहार से प्रोफेसर अखलाक अहमद पटना यूनिवर्सिटी से और यहाँ पे काशीपुर रामनगर हल्द्वानी कोटद्वार पूरे उत्तराखंड से हरियाणा से बच्चे जुड़े हुए हैं तो विभिन्न राज्यों के बच्चे हैं। तो आज हमने इस तरह का सेशन बुलाया था ताकि आप लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें इनको बताएं और मोटिवेट करें। वैसे तो चूंकि गूगल मीट पे क्लासेस सफल नहीं होता है वो हम वीडियो के माध्यम से ही इनको बता पाते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत बच्चों को मोटिवेट किया। थैंक यू। हाँ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछिए जब तक और भी प्रोफेसर आने वाले हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी हाँ सुदीप सर जैसे कि सर हमारे पास मैगजीन होती है ग्रुप से योजना ये क्रॉनिकल हो गया जी जी सर इसको पढ़ने के बाद सर नोट्स बनाना जरूरी होता है? देखिए ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग सबसे पहले आप लोग कैमरा ऑन कीजिए और जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका ऑन करना तो बहुत जरूरी है। देखिए जो इस तरह के करेंट से रिलेटेड और योजना से रिलेटेड जो कार्यक्रम होता है ये नोट करना जरूरी है इसको साइंटिफिकली आपको नोट करना। देखिए योजनाएं कई तरह की होती है एक मेगा प्रोजेक्ट होता है एक बड़ी योजना होती है जैसे मनरेगा है नरेगा का नाम मनरेगा हो गया एक छोटी योजना है जो हर साल 10-20 आती है ठीक है। तो छोटी छोटी जो योजनाएं हैं उनको आप नहीं भी नोट करेंगे
तो चलेगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, ऐसी करीब 100 योजनाएं हैं, आप एक मतलब अंदाजे से बता रहा हूं, उनको आपको नोट करना पड़ेगा कि ये कब, उनका पूरा इतिहास जानना पड़ेगा, उनको नोट करना पड़ेगा। और आप जो नोट बनाएंगे ना वो ओपन फॉर्म में होगा, ताकि कभी भी कोई रिफॉर्म आता है तो उसमें स्पेस हो आपके खाली, पेज अटैच हो जाए। इसलिए नोट बनाने का जो तरीका है वो क्लोज कॉपी नहीं होनी चाहिए, कभी भी ओपन पेपर होना चाहिए। नोट जो ISPCS का बनता है वो ओपन A4 साइज पेपर में बनता है, उसमें आप बनाएंगे और आप उसमें ऐड करते जाएंगे। जब भी नया प्लान आया कोई भी मनरेगा के तहत कि सरकार ने इतने करोड़ रुपया दिया, 50,000 करोड़ रुपया दिया, 1,00,000 करोड़ रुपया दिया, तो आप वहां नोट कर लेंगे अगली लाइन में, ठीक है। एक बार की मेहनत है, एक बार अगर आपने मेहनत कर लिया बेसिक प्लान पे, ठीक है, तो जैसे ICM है, द्वारका है, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट आजादी के बाद से चल रहे हैं, गरीबी उन्मूलन के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और छोटी छोटी योजनाएं उसी में समाहित हो जाएगी, छोटी छोटी योजनाएं आती रहती है, तो बड़ी योजना पे आपका एक ज्ञान होना जरूरी है। जब उसको आप जान लेंगे तो छोटी चीजें उसमें समाहित हो जाएगी, आपका दिमाग रिसीव करने लगेगा कि कोई मुख्यमंत्री आया है या कोई प्रधानमंत्री, इस साल कौन सी योजना लागू किया, क्योंकि आपके दिमाग में 40 योजना चल रही है, तो वो एकोमोडेट कर जाएगा उसमें। हाँ, कोई प्रश्न? विनय पूछ रहे हो क्या? सर मैं ये बोल रहा हूँ, सर आपने सर जो बताया सर वो अच्छा था, लेकिन सर वो मैंने पूछा नहीं था, लेकिन आपने बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था सर कि जैसे मार्केट में मैगजीन अवेलेबल होती है सर, उनके स्टॉक नोट्स बनाना जरूरी होते हैं या नहीं? मार्केट में जो MCQ अवेलेबल है वो देखिए, MCQ के बारे में जितने भी, मैं विद रेफरेंस बता रहा हूँ, जितने भी IAS हैं या जितने भी ऑथेंटिक टीचर हैं, MCQ को प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि आप प्रैक्टिस पूर्व के जो क्वेश्चंस हैं पूछे गए उनको आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको एक गाइडलाइन मिलेगा। एक्चुअली जो क्वेश्चंस है, जो पूछे गए क्वेश्चंस है, वो आपका गाइड है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। नए क्वेश्चन जो बना बना करके मार्केट में प्रस्तुत किए गए हैं वो क्वेश्चन कभी नहीं आते, क्योंकि वो क्वेश्चन सेट ही नहीं करते। सेट जो क्वेश्चन कर रहा है उसका दिमाग पूर्व क्वेश्चन में है, जो सेटर है क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन सेट किया, उसके दिमाग को पढ़ने के लिए पूर्व के क्वेश्चन को देखना जरूरी है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए कहा जाता है कि पूर्व के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। डॉक्टर साहब, शहराज अली साहब जी, डॉक्टर साहब आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, विद योर काइंड परमिशन, जो बच्चे ने क्वेश्चन ऐड किया है, ऐसी जिज्ञासा और बच्चों के मन में भी हो सकती है। जी जी। और मैं जो कैरियर काउंसलिंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन मोटिवेशनल लेक्चर्स में मैंने कई बार डिलीवर करता हूँ, DST इंस्पायर कैंप में जाता हूँ। जी जी। जीवी ऋषि नगर गढ़वाल आपके क्षेत्र में भी गया हूँ, 2-3 बार गया, उन लोगों ने इन्वाइट किया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस बच्चों से थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो आपने सवाल रखा है कि ऑब्जेक्टिव वाला या नोट्स बनाने वाला, देखिए जिस तरह के आप एंट्रेंस में आपका इंटरेस्ट है, यू आर द एस्पिरेंट ऑफ IAS IPS और PCS, तो उसमें ये समझना कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत बाद के क्रम में आएगा। सबसे पहले तो आपको ये कि जो आपका कोई भी कंपटीशन होगा, इवन IAS भी क्यों ना हो, उसका भी एक सिलेबस कंफाइंड होता है, और पहली प्रायोरिटी उस सिलेबस को डीपली आपने पढ़ लेना चाहिए।
इस सिलेबस के इधर अभी बिल्कुल नहीं चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द मैंडेट टू हैव द गुड ग्रास्प इन योर सिलेबस, और जब वो सिलेबस आपका पूरा हो जाए तब आप ये देखिए जिस जिस एंट्रेंस के लिए आप एस्पिरेंट हैं उस एग्जामिनेशन में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है. मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस एंट्रेंस में आप अपीयर होने जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, उसमें क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है. अगर यहाँ पर कोई साइंस का बच्चा हो तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देके बताता कि केमिस्ट्री में कैनिजा रिएक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन जब नीट का एग्जाम देता है तो नीट के एग्जाम में उसपे क्वेश्चन अलग टाइप का बनता है, जब आईटीजी का एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन अलग पैटर्न पे बनता है. तो मेरा कहना है कि आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना, उसको आइडिया लेना बहुत की रोल अदा करेगा. और अगर आपके पास वो पैटर्न है तब आप मार्केट में देखिएगा कि उस पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस किस राइटर ने दिया है, और उस तरह की किताब लेंगे आप और उसको प्रैक्टिस में लाइएगा तो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपको बेनिफिशियल होगी. बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर शहराज अली साहब, बहुत सही है आपका. अभी हमारे सामने प्रोफेसर सिराज मोहम्मद साहब जुड़ गए हैं, बहुत ही अनुभवी प्रोफेसर है, हिस्ट्री के माहिर हैं. और मैं प्रोफेसर साहब, सिराज मोहम्मद साहब आप हमें सुन रहे हैं? सुन रहा हूं. हाँ सर, आप प्लीज पुट ऑन कैमरा एंड प्लीज कन्वे टू स्टूडेंट्स. आपने बहुत बच्चों को गाइड किया है 20 साल से, बहुत बड़ा अनुभव है सर का, और सर के बहुत सारे स्टूडेंट पीसीएस भी क्वालिफाई किए हैं, आईएस भी, बहुत अच्छा अनुभव है इनका. शहराज भाई ने बहुत अच्छी बात कही बच्चों को कि सबसे पहले एक्सटेंसिव स्टडीज, सिलेक्टिव नहीं है, एक्सटेंसिव स्टडीज चाहिए बच्चों को, पूरा सिलेबस कवर करें. और सबसे जो है वे ऑफ क्वेश्चंस, मेथड्स क्वेश्चंस और आस्किंग मेथड्स क्या है. बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है. मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों को, समय और परिस्थिति के अनुसार क्वेश्चन का पैटर्न ही बदलता है. जो आईएएस आज से, पीसीएस जो आज से 10 तक पहले होता था वो आज नहीं है, सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया है, नए तरीके आ गए हैं. तो उसको करंट, अपने को अपडेट करने के लिए, करंट होने के लिए जरूरी है. क्वेश्चन ट्विस्टेड होता है, स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं. तो ऐसे में चाहिए कि हम जो है अपने होल सिलेबस को बड़े एक्सटेंसिव और बड़े गहन अध्ययन के से करें, और जो हमारा लूप होल हो, जो कमजोरी है, उस पर और ज्यादा फोकस करें, ताकि हमको एग्जाम से भय ना लगे. जो पोर्शन हमको कमजोर लगता है, उससे भय लगता है, तो उसके उसका छोटे से फॉर्मूला, उस पर और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो हमारा लूप होल दूर हो जाए, ताकि एग्जाम से हमको भय ना लगे. जो एग्जामोफोबिया होता है, फिर फियरलेस जो होता है, वो जो डरावनी होती है, जो खौफ ही खत्म हो जाए. तो फियर साइकोसिस जो प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाएगा आपका, अगर कुछ अपने कमजोर वाले पोर्शन पे आप और ज्यादा मेहनत करते हैं, अध्ययन करते हैं. बिल्कुल सही. तो डॉक्टर साहब बहुत ही सिलेक्टिव होंगे. हाँ, जब एग्जाम, और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बच्चों को जो मेन पॉइंट्स हैं वो अपना ब्रीफ नोट्स बनाए. बिल्कुल. अगर 11th आवर जब एग्जाम एट हैंड हो, फिर उसको वो रिवाइज करें, लेकिन पहले तो उसको बहुत डिटेल्स जानने की जरूरत है. बिल्कुल. उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत हो जाएगी, और फिर जो है आपको एग्जाम से डर होता है वो खौफ दूर हो जाएगा. बिल्कुल. फिर आपको लगेगा पूछ जहां से पूछना है. जी डॉक्टर साहब, आपका कहना है बहुत सही, आप बता रहे हैं कि एक्सटेंसिव पहले पढ़ाई करेंगे टेक्स्ट बुक की, एनसीईआरटी की, उसके बाद जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, शुरू नहीं करेंगे. बहुत सही कह रहे हैं सर आप. जी कोमल, कुछ पूछ रहे थे तुम? कोमल
मैं बच्चों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं कुछ चीजों को देखता हूँ, कमीशन जाता हूँ, तो वहां एक आध जो कमियां बच्चों को मैं शेयर करना चाहूंगा। बच्चे चूंकि पॉइंट नहीं होते हैं, क्वेश्चन का नेचर ही समझते हैं। कहा जाता है क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन का डिमांड फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है और बच्चे कुछ और लिख के आ जाते हैं। तो ये जो कमियां है इससे आप जो है एक तरह से कहीं ना कहीं सफर करते हैं। एग्जामिनर जो है आपसे जो है खुश नहीं होता, प्रभावित नहीं हो पाता है। नेचर ऑफ क्वेश्चन नहीं समझ पाते या आप फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं समझ पाते। तो वो क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट चाहता है, ये जरूरी है समझने के लिए। और वो जब आप एक्सटेंशन स्टडीज करेंगे तो ये सारे क्लियर हो जाएगा कि ये तो आपका डेप्थ जब आएगा, जब आप उसको डिटेल्स पढ़ेंगे और पूरी जो है लगन। और मैं एक बात जरूर करना चाहता कि अपना ब्रीफ नोट्स जरूर बनाइए, तो वो रिवाइज करने से आपको वो सारी बातें याद आ जाएगी जो आपने एक्सटेंसिव स्टडीज की है। बिल्कुल तो हो सिलेक्टिव नोट्स बनाने के लिए कह रहा, लेकिन एक्सटेंसिव स्टडीज एक्सटेंसिव हो, स्टडी एक्सटेंसिव हो और नोट ब्रीफ हो। नोट एक्सटेंसिव नहीं बनाए देखिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाए। जी सर, और किसी बच्चे का कोई प्रश्न है, कोई सवाल? हाँ मनीषा, पहले प्लीज पुट ऑन योर कैमरा। हाँ पाता है जी, सृष्टि सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ पे हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे सर? हाँ, आपको 6, 7, 11, 6 से एनसीईआरटी शुरू कीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है सपोज, तो 8, 9 से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 6 से शुरू करें। आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, जो लोग ज्वाइन बाद में हुए हैं या कई कारण से आवाज नहीं मिलती है तो वीडियो के फॉर्म में हमने सारी बात कह दी है। वीडियो हम आपको भेजेंगे, आप वीडियो में होंगे, वीडियो में आपको सारी बात बता दी जाएगी कैसे कैसे। हमने एक साल का एक प्लान तैयार किया आपके लिए, उसको कई हिस्सों में बांटा है, 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा 2 महीने का है, दूसरा हिस्सा 4 महीने का है, और तीसरा 6 महीने का है। लेकिन ये प्लान फुल टाइमर के लिए है। अगर आप साथ में कॉलेज कर रहे हैं या कहीं कर रहे हैं तो ये प्लान मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से या 3 से। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि तैयारी आपको एक्सटेंशन करनी है और स्मार्ट करनी है, एक्सटेंसिव तैयारी करनी है। छोड़ छाड़ के तैयारी नहीं होगी, वो ग्रुप सी की तैयारी होगी रखने वाली। आप कहाँ से हो सृष्टि? सर आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार में कहाँ से? गया से। देखिए गया से है सृष्टि, और आपको पता है बिहार के बच्चे टॉप करते हैं और आईएएस में बिहार का बहुत नाम। बिहार के लोग आप जानते हैं कि आईएएस की प्लानिंग में, आईएएस की तैयारी में बहुत अच्छे माने जाते हैं। दिल्ली में जितने भी मुखर्जी नगर में टीचर हैं जिनका पूरे भारतवर्ष से बच्चे जाते हैं कोचिंग करने पढ़ने, वो सारे बिहार के हैं मोस्टली 90%। और तो कहने का मतलब यह है कि एक प्लान के तहत आप काम करेंगे और आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वीकली असाइनमेंट, आपका फीडबैक आएगा। ग्रुप हमेशा क्लोज होगा, आपको ग्रुप क्लोज इसलिए होगा कि कुछ प्राइवेट रीजन है उसके कारण अब ग्रुप पे इस तरह से कंट्रोल किया नहीं जा सकता किस तरह के लोग होते हैं। लेकिन हमारा उसमें ग्रुप में मैसेज आएगा, वीडियो आएगा, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करेंगे और आप हमें बताएंगे कि आपने असाइनमेंट कितना कंप्लीट किया है। वीकली असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, हफ्ते में आपको बताना है कि हमने इतना काम कर दिया है। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ लिया एनसीईआरटी की 7th क्लास की, सपोज आपने 3 चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप हमको इन्फॉर्म करेंगे। इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी,
हम आपसे अटैच होंगे। और ये जो महान टीचर हैं प्रोफेसर शहराज अली हैं, प्रोफेसर अखलाक अहमद हैं पटना यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर वी के लाल हैं, अनिल झा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं, तो उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। बिहार से भी बहुत सारे, साउथ बिहार यूनिवर्सिटी से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, बिहार के बहुत सारे प्रोफेसर हैं, हमारे मित्र हैं, तो वो भी आपको सलाह देंगे। तो सृष्टि, आपको गया में ये जो लिंक है, हमारे लिंक आपको कैसे मिले, ग्रुप के लिंक कैसे मिले गया में, किसने दिया आपको? अच्छा, प्रोफेसर अनिल झा ने दिया है आपको, वेरी गुड। तो ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और यही बहुत सारे बिहार यूनिवर्सिटी में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना यूनिवर्सिटी के लगभग बहुत 80% लोग हैं जो जानते हैं और जो बच्चों को गाइड करते हैं। एक अब कई हैं, वीक कनेक्टिविटी के कारण कई लोग नहीं जुड़ पाए हैं, एक है प्रोफेसर सर, जो भेजे हैं। हाँ, तो इस तरह से हम हमसे आप जुड़े रहेंगे, और हम आपको वीडियो के माध्यम से, इस तरह से क्लास नहीं हो सकता, ये सिर्फ इंटरैक्टिव सेशन है, फॉर्मल सेशन है, जो हम 15 दिन पे 10 दिन पे करेंगे। इसमें सिर्फ एक बातचीत होगी, एक आपको मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन कई चीजें हैं आप सुन भी नहीं पाएंगे। प्लान आपको सर ने बताया हमारा क्या असाइनमेंट है, आप हमारा जो 2 महीने का असाइनमेंट है वो आप कैसे करेंगे, अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं, आप किस क्लास में हैं? सृष्टि अच्छा, तो आप जेआरएफ कर ले तो जाहिर सी बात है आप, लेकिन वो आपका जेआरएफ आपको काम ही आएगा सोशियोलॉजी में, जाहिर सी बात है एक सब्जेक्ट ऑप्शनल है आपका, तो फिर भी आप कहीं ना कहीं मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्स्ट्रा। तो उसमें क्या है कि आप जो काम 1 साल में तैयारी करेंगे और आपने टारगेट 1 साल का बनाया, तो वो आगे बढ़ जाएगा, वो प्रोसीड हो जाएगा थोड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे आपको। जाहिर सी बात है आज के हालात में हम जब विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं तो हम एक चीज जरूर ध्यान रखते हैं, ऐसे तो नियम तो ये है कि कमिटमेंट 100% होना चाहिए, आईएएस की तैयारी कर रहे तो आईएएस की तैयारी कर रहे, लेकिन 99% छात्र जो है आईएएस का भी एग्जाम देते हैं, ग्रुप सी का भी देते हैं, आपको पता ही है, और हर एग्जाम देते हैं। तो इसलिए थोड़ा एक जो प्राइमरी स्टेज है उसमें हम जो प्राइमरी स्टेज 2 महीने का हमने रखा है उसमें हम ग्रुप इस तरह से तैयारी का मेथड हमने प्लान किया जिसमें ग्रुप सी के विद्यार्थियों को भी, यानी जो विद्यार्थी आईएएस की तैयारी कर रहा है वो ग्रुप सी का भी एग्जाम क्वालिफाई कर सके, इस तरह का हमारा असाइनमेंट है। बाकी टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक सीरीज और एनसीईआरटी आपका शुरू हो जाता है, लेकिन साथ में फैक्ट कलेक्शन, जैसे देखिए कोई भी एग्जाम विशेषकर आईएएस का ही एग्जाम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लेकिन फैक्ट को आप इनकार नहीं कर सकते। जैसे मान लिया कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, मिलाने के लिए आ जाएगा रावी नदी के किनारे, सपोज मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, आ जाएगा कालीबंगा किस नदी के किनारे है, और मिलाने के लिए आ जाएगा, तो तथ्य को तो याद करना पड़ेगा ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा तथ्य परक भी रहना है, ताकि साथ साथ जो आपका जो जॉब लेने वाली जरूरत है, कई बार मजबूरियां हैं, परेशानी है, तो वो भी हमारा अडेप्ट हो सके, उस गोल को भी हम एडजस्ट कर पाए, और फिर कॉन्सेप्ट को ज्यादा फोकस करना है आगे चल करके, जैसा कि प्रोफेसर सिराज मोहम्मद साहब ने भी आपको कहा कि ये भी पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, प्रोफेसर सिराज मोहम्मद साहब यहाँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो बहुत खुशी की बात है। हाँ सौरभ, कैसे हो, कहाँ से बोल रहे हो? सर बिहार से है सर, बिहार यूनिवर्सिटी से। कहाँ? बिहार से है सर, पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। ये किस डिपार्टमेंट में हो सौरभ? सोशियोलॉजी सर। सोशियोलॉजी, फजल अहमद साहब है वहाँ? यस सर, यस सर, यस सर। और कौन कौन है? मेरा दोस्त है सर, मैं रवि हूँ सर।
जी सर, मैं सर पटना यूनिवर्सिटी। अच्छा रवि सर, मैं पटना यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो? यस सर। वहाँ एचओडी कौन है? सर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर। तो वहाँ पे कौन है अभी एचओडी? रवि सर हैं? फैजल सर। फैजल अहमद। फैजल अहमद साहब हैं? फैजल अहमद। फैजल अहमद साहब हमारे मित्र हैं, हमने भी उनके साथ वहीं पढ़ाया है उसी डिपार्टमेंट में जहाँ आज वो बैठ रहे हैं ना फैजल साहब, वो भी जुड़ने वाले थे। यस सर, यस सर। आप उनको बोल दीजिएगा कि अफरोज सर आपको याद कर रहे थे, वो नहीं जुड़ पाए हैं। आप जब मिलेंगे, ठीक है सर, बोल देंगे उनको, बोलेंगे कि अफरोज सर आपको याद कर रहे थे कि आप कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। और फजल सर सिराज मोहम्मद साहब को भी जानते हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं? फजल अहमद साहब को आप मेरा मैसेज कह दीजिएगा कि पता नहीं किसी कारणवश तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अभी यहाँ से राजस्थान से प्रोफेसर भी जुड़ने वाले थे, पर पता नहीं कुछ कारण से कहीं कनेक्टिविटी वीक भी होती है। कुछ लोग जुड़े थे, बिहार से भी जुड़े थे, कुछ यूपी से भी, लखनऊ से भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी प्रोफेसर हैं। तो चलिए बड़ी खुशी की बात है। तो आप बीए किस क्लास में? बीए में सेकंड ईयर में? बीए वन सर। बीए वन में आपके लिए, आपके लिए अच्छा मौका है, आपके पास अच्छा टाइम है। समझ समझ करके आराम आराम से पढ़ाई कीजिए, जैसा कि प्रोफेसर सिराज मोहम्मद साहब ने आपको कहा, टेक्स्ट बुक पे फोकस कीजिए और जो मेरा इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है? और कोई प्रश्न सर? एक एक व्यक्ति पूछिए कोई। एक बुशरा। हाँ सर, बुशरा प्लीज पुट ऑन कैमरा। सर मेरा क्वेश्चन था सर, लैंग्वेज प्रेफरेंस को लेके ना बहुत सारी क्वेरीज है। हाँ देखिए, लैंग्वेज प्रीवियस ईयर देखे तो उसमें हिंदी को भी सही, हिंदी का रिजल्ट इतना अच्छा ही रहता है। देखिए हिंदी से भी लड़के क्वालिफाई होते हैं, देखिए ये बात सही है, इस बात ये इसमें तथ्य है, जाहिर सी बात है आपने जो कहा, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, इसमें वेरिएशन होता है। कई बार हिंदी के भी काफी बच्चे क्वालिफाई होते हैं, कई बार 100-100 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, लेकिन कई बार आंकड़े कम होते हैं। पर मैं आपको यही कहूंगा, आईएएस के लिए लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाना है। आप का जो कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज आपका होना चाहिए, क्योंकि इस पे हमने पहले भी बात की है, पहले भी क्वेश्चन बच्चे ने किया था इससे रिलेटेड। तो देखिए आप एक चीज बताइए, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, अगर हमारे साथ, जैसे हमारा आरोप है कि भेदभाव होता है भाषा के साथ या हिंदी भाषा को लेकर के, तो ये तो एक अलग सिचुएशन है ना। अगर हिंदी भाषा को लेकर के भेदभाव होता है तो लोग हिंदी साहित्य भी रखे हुए हैं, ये एक अलग इशू है। और ये ऐसा नहीं कि ये इशू सॉल्व होगा, ये एक डिफरेंट इशू है। बट हम ये कह रहे हैं कि हिंदी से बच्चे क्वालिफाई होते हैं और आपको वही भाषा लेनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आप में जितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें 80% लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हैं, लेकिन सुबह से शाम तक घर में आप हिंदी में बात करते हैं, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश की लैंग्वेज चुनिए, लेकिन लैंग्वेज आपके दिमाग में स्टेटस इशू नहीं होनी चाहिए, बैरियर नहीं होनी चाहिए। क्यों डॉक्टर सिराज मोहम्मद साहब, आप भी बता दीजिए कुछ। एक्चुअली लैंग्वेज जो होता है वो कोई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपने नॉलेज को अपने ज्ञान को किस तरह प्रदर्शित करते हैं, और जिस भाषा में आप ज्यादा कंफर्ट हो उस भाषा का चयन कीजिए आप, क्योंकि वो आपके अंदरूनी फीलिंग और अपने नॉलेज का एक्सप्रेशन होता है, आपके थॉट्स का एक्सप्रेशन होता है, आपके आइडियाज का एक्सप्रेशन होता है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि लैंग्वेज के आधार पर किसी तरह भेदभाव होता है, क्योंकि हाँ एक बात जरूर आती है जो मैं स्वीकार करता हूं कि अंग्रेजी में मटेरियल ज्यादा उपलब्ध होते हैं, अच्छी किताबें हो जाती हैं, रिनॉन राइटर्स हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं,
थोड़ी हिंदी में दिक्कत आती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदी के बच्चों के साथ किस तरह जाओ। लेकिन एक बात फिर ये बता दें कि जिस तरह इंग्लिश में कम शब्दों में आप ज्यादा बात कर सकते हैं, हिंदी में वो थोड़ी सी कठिनाई होती है बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, कि पूरे सेंटेंस में और पूरे उसका वो जो है वाक्य में उस बात को प्रकट करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में बिंदुवार थोड़ा कम ब्रीफ में वो पॉइंट लिखी जा सकती है, तो एक टेक्निकल बात आती है। दूसरी बात ये कि हम जो है पूरी पॉइंट नहीं होते हैं हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ी, चुके हमको जितनी बात लिखी थी उतनी में उसमें गप्पे मारने की चांसेस कम होते हैं। हिंदी में गप्पे मारने की चांसेस बच्चों को देखता हूं और मैं, मेरा जो अनुभव है उस आधार पर जो है कुछ गैर जरूरी बात लिखते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है, भूमिका में ज्यादा चले जाते हैं। भाई क्वेश्चन पूछा तो उसकी भूमिका में क्यों जा रहे हैं, उसमें भी थोड़ा आपका मेन क्वेश्चन छूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा अनुभव कहता है कि मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ कि वो एक लास्ट के दो क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, टाइम नहीं मिलता उनके पास। संदीप कश्यप, तो अंग्रेजी में आप ज्यादा बकवास भी नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट लिखेंगे तो अंग्रेजी वाले इसका बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन हिंदी वाले अगर इससे सुधार लिया है वो तो और उससे भी अच्छा कर सकते हैं। अभी ये मुझे आप लोग बिहार की बात कर रहे हैं, इस बार का जो हाईएस्ट का रिजल्ट आया, देखिए सबसे यंगेस्ट बॉय जो है 22 साल का बच्चा, ऑनली बीए किए हुआ है। आप लोग सभी ने जानते हैं संध्यम को, उसने जो है समस्तीपुर का बच्चा है, समस्तीपुर का है, रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है और उसने जो है 22 साल की उम्र में जो है बीए ग्रेजुएशन करने के बाद जो क्वालिफाई कर दिया। तो उसे सुमन कुमार तो ट्रॉफी किया है, उसका तो खैर कह रहे नहीं है। तो दसवीं रैंक पर जो बच्चा आया है सत्यम जी जी, तो और उसने भी जो है सिंपल ग्रेजुएशन करके उसने जो है, लेकिन उसके साथ आपको ये एक डेडिकेशन, एक समर्पण की भावना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चाहिए। ऑनेस्ट है, इफ यू आर डेडिकेटेड Honestly, then you will get, you will win. कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक सके। अब भाषा आपको चेंज करना है कि हम किसमें इंग्लिश में अच्छा कंफर्ट महसूस करें या हिंदी में, कम शब्दों में अच्छी बात कर लें या पूरी बात कह लें। क्योंकि आपको इनफैक्ट सागर को गागर में भरना होता है। तो इसलिए आपके पास समय का अभाव होता है, आपके पास स्पेस भी कम होता है, क्योंकि एक फिक्स पैरामीटर होता है, उसी के अंदर फ्रेमवर्क में आपको आंसर देना है। आप चाहेंगे 10 पेज तो नहीं हो, 10 पेज आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो कमीशन का होता है, ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे स्पेस दिया होता है, उसी स्पेस में आप जो है पूरी बात लिखेंगे। और अगर आप उसमें गैर जरूरी बात लिखेंगे तो मेन बात छूट जाएगी, और जरूर से ज्यादा उस पे समय देंगे तो बाकी एक क्वेश्चन को आप लेट डूबेंगे। तो ये जो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंड क्रूशियल मोमेंट फॉर द एनी स्टूडेंट, सभी के लिए, वो सभी के लिए क्रूशियल मोमेंट होता है। बड़ी मैनेजमेंट बड़ी टैक्टफुली करना पड़ता है, बड़ी इफिशियंटली करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक दो क्वेश्चन लेट डूबेंगे। एक दो क्वेश्चन अगर आपका नहीं लिख पाते हैं या टाइम अभाव के कारण, तो कहीं ना कहीं आपकी मार्किंग कम हो जाती है, और जब मार्किंग कम होगी तो रैंकिंग कम होगी आप। तो ये मैं फिर बताऊंगा बच्चों से कि आप पहले बेस की अच्छी प्रिपरेशन करें, लिखने का हैबिट बनाए फास्ट और क्लियरिटी, योर एक्सप्रेशन शुड बी वेरी क्लियर और वेग, और उसका बिल्कुल टू दी पॉइंट तो होना चाहिए, लेकिन कम शब्दों में अच्छे शब्दों में लिखें आप। दूसरी बात ये एक है कि पॉइंट वाइज लिखिए तो ज्यादा है कंफर्ट होता है, एग्जाम के लिए भी, एग्जामिनर के लिए भी और एग्जामिनी के लिए ज्यादा है आप। चूंकि हम कभी कभी, हम लोग का मेरा जो अनुभव है, जो हमें फैक्ट्स की तलाश करनी पड़ती है, लंबा आपने पूरा पढ़ाया में लिखा, आप जो मैं बात देखना चाहता हूं कि उस पर्याय पर बात है कि नहीं, तो मुझे पूरा पर्याय पढ़ना पड़ता है या पूरा पेज पढ़ना पड़ता है।
उसमें समय हमको ज्यादा देना पड़ता है, फिर हम वो अगर बाय द वे हमारे निगाह में वो नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम का भी अभाव होता है, सर्टेन टाइम में हमको एक कॉफी को देखना होता है किसी भी एग्जामिनर को, तो वो जो फैक्ट्स चाह रहा है उसको अगर वो नहीं मिलता है तो फिर वो अच्छे नंबर नहीं देता है। बिल्कुल सर। तो नंबर अच्छे लाने के लिए एक ये भी तरीका है कि आप टू दी पॉइंट लिखें और छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें, बहुत लंबा लॉन्ग पैराग्राफ में दिक्कत आती है, उसमें फैक्ट्स नहीं क्लियर होता है। हाँ, अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, हाईलाइट भी, हाईलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है उतना आप कलम ना बदले, जिस कलम से लिख रहे हैं उसी को अंडरलाइन कर दीजिए। तो एग्जाम से एग्जामिनर को उस पर आपका अट्रैक्शन जाएगा, ध्यान जाएगा और वो आपको फाइंड आउट कर लेगा कि आप जो बात दिखाना चाह रहे हैं या जो बात आप एग्जामिनर को कन्वे करना चाह रहे हैं वो इजीली कन्वे हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये सारे टिप्स हैं जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो हिंदी के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि हिंदी वाले बच्चे जो है, मैं तो फिर बता दूंगा, हिंदी वाले बच्चे जो है थोड़ी सी जो है उसमें लापरवाही बरतते हैं, वो नहीं कर पाते जो अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी चूंकि अंग्रेजी मीडियम के बच्चे के पास नोट्स अच्छे होते हैं, उनके पास वो फैक्ट्स और फिगर बहुत अच्छे होते हैं, वो ग्राफ में कभी कभी समझा देते हैं, कभी कभी जो है वो डायग्राम बना के समझा देते हैं उस चीज को। हिंदी वाले बच्चे तो थोड़ी इसमें लापरवाही कहिए या कोताही कहिए या कहिए कि वो थोड़ा सा इसमें पीछे रह जाने का वजह ये है कि उनका जो है वो मतलब एक तरह से जो एफिशिएंसी लाना चाहिए वो नहीं ला पाते। सही कह रहे हैं सर। इसमें कभी आप हिंदी वाले मैं तो कहूंगा और अच्छा कर सकते हैं, चूंकि उनका अपना मातृभाषा है, वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बशर्ते उनके डेप्थ हो, उन पर उनकी पकड़ हो, तो कम शब्दों में चाहे तो अच्छे शब्दों में आप प्रकट कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, अपने नॉलेज को, अपने कह सकते हैं कि ज्ञान को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और हिंदी, हाँ एक बात, हिंदी में थोड़ी सी राइटिंग अच्छी हो तो और अच्छा आपका नंबर मिल सकता है। हिंदी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं टॉपर भी रहे, ऐसा भी नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से उसको प्रस्तुत करते हैं और कितनी अच्छी राइटिंग जो है आप से लिखते हैं। तो ये आप तो कि आपके कला है, आपके ऊपर एक कह सकते हैं कि आपकी एफिशिएंसी और आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बुशरा कि आप कंफर्टेबल किस में समझते हैं, और हिंदी के बच्चे जाहिर सी बात है डेविएट हो जाते हैं, पॉइंट वाइज नहीं रहते हैं, गोल ओरिएंटेड नहीं रहते हैं। आपको मतलब आमतौर पे जो बी ए एम ए में लिखते हैं वही क्राइटेरिया बचा रह जाता है हिंदी वाले का, हिंदी भाषी क्षेत्र में बच्चे जानते हैं बी ए एम ए में क्या करते हैं, वो आमतौर पे कॉपी भरने का जो सिलसिला चलता है वही कुछ न कुछ टच कर जाता है। तो आपको आपकी क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। जो पूछा है इंग्लिश में कुछ टेक्निकल वर्ड्स की वजह से, इंग्लिश लैंग्वेज कुछ ऐसा साइंटिफिक है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है उसके लिए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वीडियो में सारी बात क्लियर है। और किसी का कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास 10-12 मिनट और है, कोई और क्वेश्चन है किसी का? हाँ धनपाल बोलिए। सॉरी बात समझ में नहीं, बात वाली बात कट गई थी। आजकल सिद्धेश सुवर्ण विश्वविद्यालय के जो है सर परीक्षाएं चल रही है सर ना, बीए की और एमए की। जी जी। तो बच्चे सर वहाँ थोड़ा आजकल फोकस किए हैं सर, तो इसमें थोड़ा सर उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मेरे को पूछे थे बच्चे कि सर अभी तो हमारे एग्जाम चल रहे हैं तो फिर कैसे हो पाएगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, देखिये उसमें आपको ये बहुत पर्सनल है, मैनेज करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, आप एक टॉपर है आमिर सुभानी, बिहार से आईएएस में टॉप किया था, बैंक की नौकरी कर रहे थे। बैंक की नौकरी कितनी टफ होती है, 9 बजे जाते हैं वो, घर से जाने के बाद बैंक में एकदम टाइम पे पहुंचना होता है, और शाम में 5 बजे चलते हैं वो बैंक से काम धाम करके, 6 बजे पहुंचते हैं। उस बंदे ने टॉप किया, कैसे मैनेज किया, आप सुबह 9 बजे से 5 बजे तक तो एग्जाम नहीं दे रहे हैं। पॉइंट नंबर वन क्या है कि इसमें आपका जो टाइम मैनेजमेंट है थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, उसको आपको पर्सनली मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है जो काम आप
दस दिन में करना चाहते हैं, या हमने आपके लिए एक असाइनमेंट तैयार किया इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों को आमतौर पर बच्चे ना प्लान नहीं कर पाते, पढ़ते तो बहुत है। अब सिविल सेवा में यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो हिस्ट्री ही आप जिंदगी में पढ़ते रह जाएंगे, तो आपको फोकस्ड भी होना है, गोल ओरिएंटेड भी होना है, और साथ साथ में क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको जानना है। तो अब इस टाइम मैनेजमेंट में जो काम आपको 10 दिन में करना था, जाहिर सी बात है वो काम 15 दिन में करेंगे आप। कई बार क्या है कि विद्यार्थी एग्जाम आता है तो सब चीज छोड़ छाड़ देते हैं, वो काम नहीं करने। आप जब 8 घंटा पढ़ रहे थे, 10 घंटा पढ़ रहे थे, 6 घंटा पढ़ रहे थे, उसको आप 3 घंटा कर दीजिए और एकेडमिक पे भी 3 घंटा दीजिए। मैंने वीडियो बनाई है, उसमें हमने सारी बातों को समाहित किया है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे उदाहरण भी हमने प्रस्तुत किए हैं। जनरली आप देखिएगा आईएएस जो क्वालिफाई करते हैं वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होती है, जॉब भी करते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती, एक ही रूम है, एक कमरे में रह के एक व्यक्ति आईएएस कर जा रहा है, उसका उसके पिता रिक्शा पुलर है, आपने सुना भी होगा, ठीक है जी सर, ठीक है। तो वो एक रूम में, और एक एक लड़के की शिकायत आई थी कि मेरे पास सिर्फ 2 ही कमरा है सर, बहुत दिक्कत आ रही है। अब आप अंदाजा कीजिए तो हाउ विल मैनेज। तो ये बहुत पर्सनल है, ऐसा नहीं है कि आईएएस की तैयारी बंद, रूम बंद किया और कमरे में बैठ गए तैयारी होगी, नहीं। आपको आटा भी पिसाना है, आपको सब्जी भी लाना है, हर चीज को आपको मैनेज करना है, झाड़ू भी लगानी है, कपड़ा भी धोना है, तो ये बहुत पर्सनल है। बट इसमें थोड़ा सा आपको टाइम के साथ टाइम को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। जो काम आपने एक जो आपने प्लान बनाया कि 1 साल में करना है या 1.5 साल में करना है, जाहिर सी बात है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा आपका। हाँ पूछिए, न्यूज़पेपर कौन सा प्रेफर करें और उसमें क्या ध्यान देने की जरूरत है? हाँ प्रवीण, प्रवीण कहाँ से बोल रहे हैं? प्रवीण काशीपुर से बोल रहे हैं। प्रवीण ये आपका बहुत अच्छा, बेहतर है, देखिए आईएएस के लिए सबसे बेहतर है कि आप हिंदू न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कीजिए, हिंदू का दी हिंदू लीजिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो 2-3 महीना में आप यूज टू हो जाएंगे। बाकी हिंदी मीडियम के भी जितने भी, जैसे हिंदुस्तान है, राष्ट्रीय सहारा है, हालांकि जनसत्ता वगैरह अगर आपको मिल जाता है आसानी से तो जनसत्ता का भी न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा, सारे न्यूज़पेपर लगभग एक जैसे हैं, लेकिन सबसे बेहतर और प्रिफर्ड न्यूज़पेपर आपको हिंदू होगा। हिंदू ही बेहतर न्यूज़पेपर है जिसमें रिव्यू बहुत अच्छा होता है, समीक्षा आती है, अच्छा है, उस पर फोकस कीजिए। अब मैं आपको ये बताऊं कि हमारे बीच में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रियंका राजस्थान से जुड़ी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका डूंगरपुर राजस्थान से जुड़ी हैं, और आप मेरी आवाज सुन रही हैं प्रोफेसर प्रियंका जी? जी हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ तो प्लीज पुट ऑन योर कैमरा एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज आप कुछ 2 शब्द बच्चों को बताएं कि बच्चे कैसे तैयारी करें। आप जी बहुत माहिर हैं और आपकी YouTube चैनल भी है, काफी बच्चों को गाइड करती हैं। हाँ प्रियंका जी बच्चों को बताइए, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ मैम, हेलो जी, हाँ बहुत बहुत स्वागत है, ऑडिबल हैं आप। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और आप करियर गाइडेंस को लेकर जो बात कर रहे हैं, मुझे, मैं बिल्कुल सडन बीच में आई हूँ, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, अगर हम घर में रहते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई हूँ, उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगी। साथ ही मैं बच्चों, यहाँ पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम जब स्टडी करते हैं
तो जनरली उसमें जो कंटिन्यूटी होती है वो हम नहीं रख पाते, और इसी वजह से हम लोग कोचिंग पर डिपेंडेबल हो जाते हैं कि अगर हम कोचिंग जाएंगे तो ही हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी जो निरंतरता है, जो कंटिन्यूटी रहती है वो बनी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे मन का बहन है, अगर आप डेली, जैसे मैं एक छोटी सी बात करती हूँ, जब हम क्लास की बात करते हैं, हमारे सिलेबस की बात करते हैं कि हम हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में 5 यूनिट है और पर यूनिट में कम से कम 5 चैप्टर तो होते ही है हर सब्जेक्ट में। मैं एक कॉमन बात कर रही हूँ कि 5 यूनिट में हर यूनिट में एक 5 जो टॉपिक है वो तो होते ही है। अब आप ये सोच लीजिए 25 चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमको उस पूरे साल भर में पढ़ने होते हैं, लेकिन क्या सच में हम उसे पूरे साल में कवर कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अब आप इसे ऐसे देखिए कि अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं और अगर इस स्टडी को आप रोज का 1 घंटा भी देते हैं, सिर्फ 1 घंटा, तब भी आप उसे धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे, फिर धीरे धीरे आप उसका टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो ये जो कंटिन्यूटी है अगर वो रहती है तो जाहिर सी बात है आप कोई भी एग्जाम आप उसे बिल्कुल सफलतापूर्वक उसे क्रैक कर सकते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूंगी कि आप लोग मेनली तो अपनी स्टडी को कंटिन्यूटी में रखिए। अगर उसमें ब्रेक आ जाता है, देखिए बच्चों होली दिवाली त्योहार शादी ये सब आते ही रहेंगे और जिंदगी भर आते रहेंगे, आप सिर्फ 2 या 3 साल के लिए ये सारी चीजें भूल जाएंगे कि कौन शादी कर रहा है, कौन सी दिवाली आ रही है, कौन सी होली आ रही है, और फिर आप देखिए मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा उसके बाद आपका हर दिन दिवाली और हर दिन होली होगी। लेकिन ये है कि ये 2 साल आपको बिल्कुल भूल जाना है और अपनी स्टडी पर फोकस और कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। बस मेरी तरफ से मैं इतना ही कह पाऊंगी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात बताया आपने डॉक्टर प्रियंका के कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अभी एक स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहा था कि मान लो बीच में यूनिवर्सिटी एग्जाम आ जाता है और साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो मैं भी यही कह रहा था और आपकी बात 100% सही है कि बच्चे बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और एग्जाम के पीछे और सिलेबस और क्वेश्चन बैंक वगैरह जितने भी गाइड वाइड के पीछे लग जाते हैं, 2-3 महीने में सब भूल जाते हैं जो 6 महीने में तैयारी किया है। सर हमारे यहाँ पर मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि सिलेबस जो होता है वो बाल्टी भर के होता है और उसमें से हमें सिर्फ कुछ मग्गे भर के हमें मिलता है, जग भर के सिलेबस हमें मिल पाता है और उसमें से हम ग्लास भर के पढ़ पाते हैं और हमें कप भर तक याद रहता है और हम चुल्लू भर वहाँ पर लिख पाते हैं। सही बात है, वेरी गुड। चुल्लू भर हम वहाँ पर लिख पाते हैं, तो जनरली ये बात है कि आप सिलेबस देखिए आप उसे कितना ले पा रहे हैं। भाई पहले दिन से शुरू कीजिए ना, आप ये सोचते हैं कि आप 1 महीने में 25 जो चैप्टर है वो कवर कर लेंगे, तो नॉट पॉसिबल। आप 1 दिन में सारा घी पी के मोटे ताजे नहीं हो सकते, इसके लिए आपको रेगुलर 1-1 चम्मच घी खाना होगा जिससे कि आपकी हेल्थ आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे। हाँ, तो हमारे यहाँ जो एकेडमिक का ट्रेंड है पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे जो है एग्जाम की तारीख जब आती है तो गाइड खरीदना शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक का माहौल तो 2-4 ही यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और कुछ बड़े सिटी में है, बाकी बच्चे जो है ना बहुत सारे नाम है, लक्ष्मी तो कहीं सरस्वती है, कहीं क्रोनिकल है, कहीं ब्रिलियंट नाम है, कहीं नूतन नाम है, अपना अलग अलग नाम से गाइड चल रहे हैं और शुरू कर देते हैं 15 दिन पहले और पास भी हो जाते हैं क्योंकि उसी स्टाइल का है और बाकी पीछे। हाँ, तो ये ट्रेंड ये ट्रेंड तोड़ना पड़ेगा। हाँ। और वो जो कॉपी के ऊपर हम लिखते हैं श्री गणेशाय नमः जय लक्ष्मी मैया, वो आपको पास करवाने वाले नहीं है, ये इसको लिख लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे ऊपर वाला भी आपको करेगा, आपकी हेल्प करेगा, लेकिन तब जब आप खुद कुछ लिखेंगे, अगर आप खुद ही नहीं चाहते अपने लिए कुछ भी, तो फिर वो ऊपर वाला भी आपका सपोर्ट आपका साथ नहीं दे सकता। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी बात कहा आपने निरंतरता पे। तो आप सब लोग समझ गए होंगे, आप में से किसी को कुछ पूछना है, हमारे पास 9 बजे तक का टाइम था हमारा, और कोई है? हाँ, कुछ ना चाहूंगा।
हाँ पूछो विनय। सर वो अभी ये ने बोला ना कि न्यूज़पेपर का हिंदू को लगाना चाहिए क्या लगाना चाहिए? जी जी। तो सर मैं भैया को बताया करूँगा कि हिंदू का एक ऐप है प्ले स्टोर पे, तो उसपे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होते हैं और सर अगर कोई भी वर्ड फाइल में आए तो क्लिक करने के बाद उसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे ऐप की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी में पढ़ सकते हैं, एकदम आप सही बोल रहे विनय। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा, लेकिन हिंदू प्रायोरिटी है न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान या राष्ट्रीय सहारा पढ़ेंगे तो आपका आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन नहीं होगा। हिंदुस्तान और राष्ट्रीय सहारा या कुछ और भी न्यूज़पेपर जो आते हैं वो भी बहुत मतलब मिला जुला के काम चलाओ में बहुत बुरे नहीं हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम खराब हैं, उनसे फायदा नहीं होगा, उनके भी आर्टिकल सही है। जब आपका एक लेवल बन जाता है तो आप खुद समीक्षा करने लगते हैं कि कौन कैसा लिख रहा है आर्टिकल। तो चलिए हम आपको बता दें प्रियंका जी कि यहाँ पे लोग बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और विभिन्न राज्यों से, हरियाणा से जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडेंट। हमारे बैच में करीब करीब 10,000 स्टूडेंट हैं और 5,000 मेरे डायरेक्ट टच में हैं मोबाइल से। अच्छा। तो और वो हर एक राज्य से हैं और इसमें तो जाहिर सी बात है गूगल मीट से बहुत कम लोग ही आ पाते हैं, 95 से ज्यादा स्ट्रेंथ इसका लोड नहीं हो पाता। उसके बाद आप प्रैक्टिस कितना कर पाते हैं जो डॉक्टर सिराज मोहम्मद साहब कह रहे थे आपको, तो प्रैक्टिकल स्टेज तो बहुत एक्सटेंसिव आपको पढ़ना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत फायदा। और फिर हम डॉक्टर प्रियंका और ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर सिराज मोहम्मद, प्रोफेसर अखलाक, प्रोफेसर अनिल झा, इन सबको मैं बुलाऊंगा, प्रोफेसर वी के लाल जो पटना यूनिवर्सिटी से हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, हाँ नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जैसी आपकी इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंग एक मीटिंग रखेंगे। तो हम अब बंद करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सहयोग। प्रोफेसर सिराज मोहम्मद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? जो बच्चे पेपर के लिए पूछ रहे थे जी जी, तो मैं हिंदू के अलावा अगर उनको उपलब्ध हो तो इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक और जनसत्ता, हाँ जनसत्ता तो और जनसत्ता बिल्कुल, ये दोनों पेपर उनके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। क्योंकि जो करंट में क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स बेस्ड वो जो है ज्यादातर इंडियन इकोनॉमी से आता है। अच्छा दूसरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आपको, एक फाइलिंग बना के क्लिपिंग कर देंगे तो आपको रिलेवेंट आवर पे आसानी हो जाएगी। सही बोल रहे प्रोफेसर सिराज मोहम्मद साहब ने कहा आपको, ये बातें मैंने भी कही थी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना जनसत्ता आमतौर पे छोटे जिले में नहीं अवेलेबल हो पाता है। हिंदू की अप्रोच तो हो गई है पर जनसत्ता सबसे कम पब्लिश हो रहा है पेपर, तो मजबूरी हो जाती है इनकी हिंदुस्तान दैनिक जागरण सर, प्रोफेसर साहब, क्योंकि माइक ऑन कर लीजिए सर, माइक ऑन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन पेपर में इकोनॉमिक टाइम्स में और जनसत्ता में अंतर्राष्ट्रीय खबरें ज्यादा आती हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, राष्ट्रीय हाँ इनको ऐसा है ना पेपर के लिए स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा जहाँ पेपर है, क्योंकि ये पेपर कम बिकते हैं, कम लोग लेते हैं, तो इसके लिए जैसे खटीमा जैसे इलाके हैं, जैसे मान लिया रुद्रपुर है, काशीपुर है, तो बहुत कम मात्रा में आता है, पिथौरागढ़ वगैरह में 2-4 कई बार नहीं आते, हिंदू तक नहीं आते, जबकि हिंदू की अप्रोच तो बहुत है, हिंदू बहुत पॉपुलर हो गया इधर 10 सालों में और हिंदू ने रूरल एरियाज में भी अपना बना लिया है ये।
पब्लिक तो, लेकिन जनसत्ता वहां तक नहीं पहुंच पाई है, जनसत्ता की जो क्वांटिटी है पब्लिश होने की बहुत कम है सर, जबकि हिंदू काफी पॉपुलर भी है और हर जगह अवेलेबल भी है, हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सिराज साहब और प्रोफेसर सिराज मोहम्मद साहब, डॉक्टर प्रियंका और प्रोफेसर अखलाक साहब, आप सब, प्रोफेसर अनिल झा, प्रोफेसर वीके लाल, और हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलते हैं। आप लोग ऐसे ही स्टूडेंट का हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू, मैं बंद करता हूँ कुछ। थैंक यू वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। आप जो है ग्रुप में ऐड हो जाइए, आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे और मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ठीक है जी। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का सहयोग कीजिए, उनको भी शेयर कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल सही मार्गदर्शन है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा उठाने के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।